नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है कॉम्बिनेशन स्क्वायर या कॉम्बिनेशन सेट। इसके पहले मैंने सरफेस प्लेट का वीडियो डाला था और एक वी ब्लॉक का वीडियो डाला था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि मैंने जितने भी ये वीडियोज़ हैं मैं प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होने वाले हैं क्या नहीं। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन सेट के मैंने क्या किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पार्ट्स रखे हैं और एक जॉब है कि जो जॉब पे मैं आपको मेजरमेंट करके बताने वाला हूँ। तो कॉम्बिनेशन सेट इज़ ए कॉमनली यूज्ड वर्साटाइल नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ यूज्ड इन लेआउट एंड इंस्पेक्शन वर्क। आप जब लेआउट डाल रहे हो कुछ या इंस्पेक्शन वर्क कर रहे हो तब इसका क्या होता है, यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अभी इसमें क्या क्या चीज़ है पहले देख सकते हो आप। यहाँ पे स्टूल ड्रिल है, फिर यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर है, यहाँ पे स्क्वायर हेड है। आप देख सकते हो ये सरफेस और ये सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है। इसका यूज करके आप एक आधा जॉब 90 डिग्री में है क्या वो चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे बाद एक स्क्वायर हेड है, यहाँ पे ये स्क्वायर हेड का यूज़ क्या है आगे देखेंगे। द स्टील रूल इज ग्रूड ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ। द स्लाइडिंग स्क्वायर इज फिटेड इन द ग्रू बाय सेटिंग द स्टील रूल फ्लश विद द स्लाइडिंग हेड। इट मे बी यूज्ड एज अ हाइट गेज एज वेल एज डेप्थ गेज। अभी ये जो उन्होंने कहा है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टील रूल दिख रही है आपको, ये स्टील रूल में आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर एक पूरे अलॉन्ग द लेंथ इसके क्या है, एक ग्रू है यहाँ पे। और ये ग्रू का यूज़ करके क्या कर सकते हो आप, ये जो स्क्वायर हेड है आपका, ये स्क्वायर हेड इसके अंदर इंसर्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसका एज ए हाइट गेज बोल के भी यूज़ कर सकते हो। कैसे वो दिखाता हूँ। ये जॉब है, ये जॉब का मुझे हाइट मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सरफेस इसको ऐसे इसका क्या करूँगा, मैं हाइट मेजर करूँगा, मुझे हाइट पता चल जाएगा, ठीक है। द स्टील रूल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द हेड एंड परमिटिंग द यूज़ ऑफ द रूल एंड द स्लाइडिंग हेड सेपरेटली। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये मेरा एक कंबाइन यूनिट हो गया है, मुझे अगर ये सेपरेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेपरेट करूँगा और ये क्या करूँगा, ये जो स्टील रूल है इसका अलग ही जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम ये जो स्क्वायर हेड है इसका मैं अलग जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर एक स्पिरिट लेवल भी दिया है कि अगर कोई सरफेस मुझे पैरेलल है कि नहीं देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल है कि नहीं तो वो भी देख सकता हूँ मैं। वन सरफेस ऑफ द स्क्वायर हेड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रूल। इसका जो एक हेड जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्टील रूल। आप देख सकते हो इसका ये जो हेड है ये क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द योर स्टील रूल। इट कैन बी एडजस्टेड एट एनी प्लेस बाय लॉकिंग ए बोल्ट एंड नट। इसका यहाँ पे एक नट बोल्ट लॉकिंग अरेंजमेंट रहता है, वो क्या कर सकते हो आप, वही किसी जगह पे उसको लॉक कर सकते हो। द स्पिरिट लेवल इज़ प्रोवाइडेड इन द स्क्वायर हेड इज यूज टू टेस्ट द सर्फेस फॉर पैरलिज्म फॉर लेइंग आउट द डोवेल, ठीक है। इट कैन ऑल्सो स्लाइड टू एनी पोजिशन एंड लॉक्ड देयर। द स्क्राइबिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंसर्टेड इन टू द रियर ऑफ द बेस फॉर स्क्राइबिंग पर्पज। आप क्या कर सकते हो, इसका जो ये बैक हेड है ये बैक हेड को रिमूव करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्क्राइबिंग पॉइंट डाल सकते हो। और अगर आप कुछ किसी जगह पे आपको स्क्राइबिंग करना है मतलब मार्किंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। बाय सब्स्टिट्यूइंग द सेंटर हेड फॉर द स्लाइडिंग हेड। अभी ठीक है ये तो हो गया स्क्वायर हेड का, अभी ये सेंटर हेड का यूज़ क्या है, ये सेंटर हेड का यूज़ क्या है वो देखेंगे। बाय सब्स्टिट्यूइंग द सेंटर हेड फॉर द स्लाइडिंग हेड सेंटर स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द सेंटर हेड इज स्लॉटेड इन द सेंटर सो दैट द रूल व्हेन इंसर्टेड बाइसेक्ट द 90 डिग्री एंगल। इन दिस वे द मेजरिंग सरफेस बिकम टेंजेंट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द वर्क मेकिंग इट पॉसिबल टू लोकेट द सेंटर। इसका सिंपल है, अभी मैं बोल देता हूँ क्या करना है। ये जो आपका सेंटर हेड, सेंटर हेड को क्या करना है आपको, ये स्टील रूल के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करो। यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद क्या करना है आपको,
आपका जॉब ले लो यहाँ पे, और जॉब को क्या करना है आपको ऐसे, ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे माउंट किया है, देख रहे हो आप यहाँ पे ऐसे माउंट किया है। अभी ये जो सरफेस है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये एग्जैक्ट सेंटर में आया है, ये जो लाइन है ये क्या करूँगा मैं यहाँ पे ऐसे मार्किंग करूँगा सेम, फिर इसको क्या करूँगा 90 डिग्री में रोटेट करके वापस यहाँ पे ऐसे मार्किंग करूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मार्किंग करूँगा तो बराबर सेंटर लाइन आ जाएगी। सेम वापस इसको क्या करूँगा यहाँ पे ऐसे रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट करके वापस एक लाइन, तो प्लस साइन आ जाएगा और मेरा ये जॉब का सेंटर मुझे मिल जाएगा। ऐसा ये काम क्या है, ये सेंटर हेड का काम है। अलग अलग जो यूज़ है वो बोल देता हूँ मैं कैसे यूज़ है। कंसिडर करो आपका ये स्क्वायर हेड है, इसके इससे आप क्या करना है, एक आपको एक आधा जॉब जो है 90 डिग्री है कि नहीं वो देखना है। कंसिडर ये जो पार्ट है ये क्या है, एक शीट मेटल का पार्ट है, मैंने क्या किया इसको बेंड किया है 90 डिग्री में, और मुझे चेक करना है कि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूँगा इसको, इसको मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ। देखो आप दिख रहा है आपको यहाँ पे गैप है, तो मतलब ये पार्ट जो है ये 90 डिग्री में नहीं है। ये 90 डिग्री में कब रहेगा, जब मैं ऐसे ये टच होगा और यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं रहेगा तो वो 90 डिग्री रहेगा। मैंने हाइट का तो आपको एग्जांपल दिया है कि हाइट मेजर करते टाइम कैसे मेजर करना है। अभी ये जो बेवल प्रोटेक्टर है आप देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग है, ये मार्किंग है 0 से लेके 90 तक है और वापस 180 तक है यहाँ पे मार्किंग। अभी इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, बाकी का यूज़ तो हो गया, चलो इसका यूज़ देखेंगे। आप देख सकते हो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये जो स्टील रूल है मैंने यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पे क्या है इसका लॉकिंग अरेंजमेंट है। आप इसको क्या कर सकते हो, ये स्टील रूल को एक जगह पे उसको बराबर से लॉक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अंदर स्पिरिट लेवल का बबल है, फिर अभी आप इसको एग्जैक्ट कैसे मेजर करना है वो दिखा देता हूँ आपको। कंसिडर करो आपका यही जॉब है, कंसिडर करो मुझे ये जो एंगल है ये एंगल मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो स्टील रूल का बेस है यहाँ पे इसको टच करूँगा, और ये जो बेवल प्रोटेक्टर है मैं इसको ऐसे टच करके यहाँ पे क्या कर दूँगा, लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद जॉब निकाल के मैं यहाँ से इसका रीडिंग ले सकता हूँ कि इसका रीडिंग एग्जैक्ट कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ये जो मार्किंग है या मार्किंग पर मैं रीडिंग ले लूँगा। ऐसे ये यूज़ है आपके बेवल प्रोटेक्टर का। ये बेवल प्रोटेक्टर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा था प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।